पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देहरादून में नई खेल योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और प्रशिक्षण स्थानों तक पहुंचने के लिए राज्य की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो सिंह धामी ने किया शुभारंभ, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर नई खेल योजना का किया शुभारंभ। जब खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाने वाला होता है तो उस समय अगर उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो सामान्य घरों के बच्चे हैं वो जा नहीं पाते हैं, लेकिन अगर उसी में से कोई जब पदक जीत लेता है, कोई अच्छा पुरस्कार प्राप्त कर लेता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको पुरस्कार देने वालों की झड़ी लग जाती है, लेकिन उससे पहले उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने जो नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, उस नई खेल नीति में हमने ये व्यवस्था करी है कि उसके जाने की भी व्यवस्था होगी, उसके आने की भी व्यवस्था होगी, उसके रहने की भी व्यवस्था होगी, और उसके अच्छे जो उनको फ्रूट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उन फ्रूट्स वगैरह की भी जो है उस नई खेल नीति में हमने व्यवस्था की। पंकज लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, सिंह धामी ने शुभारंभ किया नई खेल नीति, साफ तौर पर खेल खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता लगातार शुरू से ही मुख्यमंत्री धामी जाहिर करते आए हैं, उसी की वानगी देखी जा सकती है साफ तौर पर, क्यों पंकज? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरीके से बड़ी दो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, एक बड़ी घोषणा है कि आज से एक योजना मुख्यमंत्री खेल उन्नयन योजना शुरू हुई है। इसके तहत बच्चों को जब वो अपनी खेल की यात्रा शुरू ही करते होते हैं उसी समय उनको लगभग 1400 से 1500 रुपए स्टाइपेंड देने की सरकार ने घोषणा की है। उनको एक तरीके से मदद सरकार की रहेगी हर महीने की, वो उसमें युवक हो युवती हो सबको मिलेगा। इसके अलावा दूसरी घोषणा मुख्यमंत्री ने की बसों में जाने की और उसमें निःशुल्क घूमने की, और जब वो खेल के लिए कहीं जाते हैं या फिर किसी तरीके के लिए जाते हैं तो वो निःशुल्क उत्तराखंड रोडवेज की बसों में वो जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये अपने आप में बेहद बड़ी कोशिश है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा, जब कोई मेडल लिया था तो हम उसको आड़े हाथों लेते हैं, हम उसको तमाम पुरस्कार देते हैं, लेकिन जब तक उसका जो संघर्ष रहता है पुराने दिनों का उसमें कोई साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन सरकार साथ खड़े हो रही है। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने आज कही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबर मसूरी से, जहां पर पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात से